गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस इन एनपीएस फॉर स्टैंडर्ड 6 सब्जेक्ट मैथ। टुडे आई विल टीच एक्सरसाइज सीडीबी क्वेश्चन नंबर 9। सिमरन हैज 50 पेंसिल। सिमरन के पास 50 पेंसिल है, संभावना है 90 पेंसिल। संभावना के पास 90 पेंसिल्स हैं। चंचल है 48 पेंसिल्स और चंचल के पास 48 पेंसिल्स हैं। सिमरन यूज 25 पेंसिल, सिमरन 25 पेंसिल यूज करती है। संभावना है यूज 45 पेंसिल्स, संभावना 45 पेंसिल यूज करती है। चंचल यूज 24 पेंसिल, चंचल 24 पेंसिल यूज करती है। फाइंड फ्रैक्शन, फाइंड व्हाट फ्रैक्शन डिड ईच यूज अप, डिड दे यूज इक्वल फ्रैक्शन। तो देखिए सिमरन के लिए फ्रैक्शन इक्वल 25/50, 25/25, 25/2। संभावना के लिए फ्रैक्शन इक्वल 45/90, 45/25, 45/2। और चंचल के लिए 24/48, 24/24, 24/2, 1/2। यस, दे यूज इक्वल फ्रैक्शन ऑफ पेंसिल्स। ओके, नेक्स्ट नंबर 10, फाइंड द फ्रैक्शन विथ डिनोमिनेटर 144 व्हिच आर इक्विवेलेंट टू 7/12, 3/8, 1/4, 60/72। अरेंज देम इन असेंडिंग ऑर्डर। तो वी हैव 7/12, तो इस 12 का हमने डिनोमिनेटर में डिवाइड लगाया, 12 बार 12 = 84 3/8 इक्वल 8 का डिवाइड 144 में 18 बार 18 3 = 54, 4 का डिवाइड 144 में 4 3 = 12, और 4 6 = 36 आया, 36 = 36। 72 का डिवाइड 144 में 2 टाइम, तो 62 = 120। 7/12 का इक्विवेलेंट 84/144, 3/8 का 58/54, 1/4 का 36/144, 60/72 का इक्विवेलेंट 120/144। सो असेंडिंग ऑर्डर इक्वल 36/144, 54/144, 84/144, 120/144, और 36 means 1/4, 54 means 3/8, 84/144 means 7/12, and 120/144 means 60/72. This is ascending order. Now homework, complete question 11, 12. 11 में आपका दिया हुआ है 2 days age, blank of a week. तो 2 days को आप week में convert करेंगे इस तरीके से, जैसे 1 week equal 7 days, तो 1 day equal 1/7, तो 2 days equal 2/7, तो first part में आप 2/7 को fill करेंगे। इसी तरीके से part question number 11 के part आपको solve करना है। Question number 12 में दिया हुआ है match the equivalent fraction, equivalent fraction का match करना है। Okay, that's it.